भूखी है हिम्मत नहीं। बैठ बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तू भूखी है ना जी, मैं तो आतंक में तुझे खाना पानी कुछ ना दे, लेकिन नहीं शत्रु होने के नाते से मैं तुझे खाना खिलाऊंगा जो तेरी किस्मत में लिखा है, सूखी रोटी के दो टुकड़े ले, ले। खा ले जल्दी जल्दी खा ले, फिर तुझे जंगल लकड़ी काटने के लिए जाना है। मेरे बेटे को मार करके तू एक ही घर की राजरानी बनना चाहती थी हा? ले ले जाती है जाती है ले पानी। चाचा ने आपने मेरी जाने के बाद मेरी पत्नियों के भिखारी बना दिया। आखिर इसने कौन इतना बड़ा गुनाह किया, इसने कौन इतनी बड़ी खता की जो आपसे जानवर जैसे खाना और पानी दे रहे। चाचा तू तो आज 3 महीने के बाद में बॉम्बे के घर को वापिस आया है, तू नहीं जानता, नहीं जानता ये हमारे घर में औरत नहीं है बल्कि एक औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। चाचा जी शरत आपने लक्ष्मी कह के पुकारा, आपके मुख से निकली बाणी आपको शोभा नहीं देती। चाचा तू सही कहता आकाश, सही कहता है, मैं इस औरत को इस घर की एक लक्ष्मी समझता था, लक्ष्मी, लेकिन आज हमारे नजरों के सामने ये पापनी बने बैठी है, पापनी। चाचा आखिर सावित्री ने कौन इतना बड़ा गुनाह किया, इसने कौन ने बड़ी खता की जब इसे पापनी का दर्जा दिया। चाचा मेरे भतीजे जब तू मेरी बात को सुनेगा ना सुनेगा तो ये तेरा दिल दहल जाएगा, तेरे पैरों से पृथ्वी खदक जाएगी। पृथ्वी कौन ऐसी बात है, कौन ऐसी बात जो आपके शब्द सुन के मेरे कदमों से पृथ्वी खिसक जाएगी। आकाश तेरे बॉम्बे जाने के बाद में इस औरत ने जानते हो इस घर में क्या गजब ढाया है, हमारी दौलत को अपनाने के लिए, इस दौलत पे हुकूमत जमाने के लिए हमारे जिगर के टुकड़े को इसने जहर देके मौत के घाट उतार दिया। क्या कहा, वो मेरा भाभी मेरा भाई को बेदनी में न रहा, वो मेरे भाई को बेदनी में न रहा। नहीं चाचा हर बात को यकीन करूंगा, लेकिन सावित्री किसी का खून नहीं कर सकती, ये सावित्री किसी का खून नहीं करती। चाचा जो औरत अपने संतान में बसर क्या नहीं कर सकता है, संतान में दौलत के लिए अपने बेटा अपने बाप को मार सकता है, दौलत के लिए भाई अपने भाई को दुनिया से उजाड़ सकता है, तो हमारी बात तो नहीं मानता ना, देख हमारी तक देख देख, मैं तेरा चाचा हूं चाचा, हमारी आंख में अपनी आंख मिला करके देख, ये तेरे चाचा की आतुली बल्कि खून बरसता खून। उधर देख ये तेरी औरत है ना, ये माँ बनने वाली है माँ, आज की कोख से एक बच्चा पैदा हुआ होता उस बच्चे को तेरे सामने कोई मार डालता या बच्चा मर जाता तो तू बाप की आह को पहचान जाता कि बाप की आह होती है तो क्या होती है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरा कोप भी मारा गया है, ये ये तूने क्या किया, अरे ये तूने क्या किया, क्यों बुझा दिया चिराग को, क्यों मार डाला मेरे भाई को भी, को बोल सावित्री बोल बोल सावित्री। यहां मेरा भाई न रहा तो भी नारे की कुटिया। जब मैंने इसे मौत की सजा नहीं दिया तो तुझे इसे मारने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं आकाश, जो मैंने इसे सजा दिया है उतनी सजा इसके लिए काफी है, इसे जंगल जाने का टाइम हो गया है, ये जब तक एक बोझ लकड़ी काट करके जंगल से घर तक नहीं जाएगी इसे खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा,
एक बात हमारी आकाश कान खोल करके सुन लो, अगर तुम्हें घर में रहना है तो आज के बाद इस औरत की कोई परवरिश या सेवा घर में हुई तो जैसे इस कुतिया का हाल हुआ है वैसे तुम्हारा भी होगा, क्योंकि हमारा बेटा मारा गया, समझे? क्यों मार डाला, क्यों मार डाला मेरे भाई को, बोल क्यों मार डाला मेरे भाई को? मैंने किसी का खून नहीं किया है, मैंने किसी का खून नहीं किया। अब जाते रहे, तू किसी का खून नहीं कर सकती, आखिर कौन हो गद्दार, अरे कौन हो हत्यारा, जो गोपी का खून करके खून के जब तेरे सर पे लगा दिया, खून के जब तेरे पे लगा दिया सावित्री। मैं अपने होने वाले पुण्य की सौगंध खाती हूँ कि मैंने गोपी का जहर नहीं दिया। हम जाते रहे, तू किसी का खून नहीं कर सकती है, अरे तू किसी का खून नहीं कर सकती है, तो मेरी जान है रे, मैं अपने दिल से जुदा कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, मर जाएंगे यार क्या हम चाहता हुआ नाम आगे हमारे विद्याराम डांसर पुटनापुर पटरंगा की ओर से भैया 10 रुपये इस सीन को देखते हुए उनके बड़े भाई जी आ चुके हैं, दोनों लोगों की ओर से 10 रुपये राम संजीवन कंपनी माली के लिए हाथों हाथ आई पार्टी को शुक्रिया। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उसने मुझे मारा। किसने तुम्हें मारा? अरे बहुत मारा उसने। अरे किसने मारा ये तो बताओगे? अब इनके मरुआवे शौक रही तो मरुआवत। किसने मारा मेरे पति को? दीपक ने मारा मुझे। क्या दीपक ने तुम्हें मारा? हाँ कमला। अरे चौरी दिना मारे भर भर पा नहीं। वो भी किस लिए? कमला तू तो जानती है कि मैं कितना बड़ा पुजारी आदमी। बड़े पुजारी 3 हाथ के झोटैया रखाए हैं, इतने बड़े पुजारी है।
मारत मारत इनके फाड़ आ रही ए क्या कुर्ता अच्छा मैं मंदिर को पूजा इतना मारा कि कुर्ता फाट गया। कमला मैं मंदिर को पूजा करने के लिए जा रहा था। हाँ। पूजा करके जब रास्ते में वापस आ रहा था दीपक मुझे मिल गया, वो मुझसे टकरा गया और मुझे मारने लगा। कमला बहुत मारा। क्या आप मंदिर को पूजा करने के लिए जा रहे थे और दीपक आपको रास्ते में मिल गया और आपसे टकरा गया और आपको रास्ते में मारने लगा? कमला अभी चार पांच दिन बाद न पाई है। पर स्वामी जी और आगे विद्याराम तुम्हारे बड़े भाई इनकी ओर से 10 रुपये आए हुए हैं। कह रहे हैं रात भर तुम बहुत मतलब ले रही हो। ए कौन कह रहा है? अच्छा ए कमला। हाँ। उस दीपक ने मुझ पर हाथ उठाया है, उसने अच्छा नहीं किया है। अगर तू हमारा साथ दे तो दीपक की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो सकती है। स्वामी जी आप जो कहोगे आपकी पत्नी करने के लिए तैयार है। तो सुन हमारी बात। क्या बात है? दीपक इस वक्त अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होगा, तू उसके पास जा, उससे प्यार से मीठी मीठी बातें कर। जब वो तेरी बात मानने को तैयार ना हो बस तू शोर मचा देना, हम मामा श्री को लेकर कमरे में आ जाएंगे। क्या अशोक जी मेरा हाथ कहीं इधर उधर लग गया तो? अरे क्या बात कर रही है? और क्या? अरे तुझे सिर्फ मामा जी की नजरों में दीपक को गिराना है बस। अच्छी बात है, तो आप चिंता मत कीजिए स्वामी जी, क्योंकि दीपक ने आपको मारा है, आपके पर हाथ उठाया है, तो मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ती हूँ। ठीक है कमला, तू जा दीपक के कमरे को। आप चिंता मत कीजिए, अब मैं दीपक के पास जाऊंगी और ये अब मेरी टेंशन है। ठीक है कमला। ए कमला बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है आप चलिए कमरे को, तब तक मैं आपके शरीर में मालिश करती हूँ। चलिए दीपक तुमने मेरे पति के ऊपर हाथ उठाया है ना, मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ती हूँ। मैं तुझे जब तक तबाह और बर्बाद नहीं कर दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। दीपक आ, आज मैं तेरे पास आ रही हूँ। ए, अरे दीपक भैया और ये बताओ, देखो मेरा पढ़ने का समय हो गया है। हाँ पढ़ाई समय हो गया तो मैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान करो, पढ़े लिखे लिखो विद्या एक अनमोल रत्न है। सही कहते हो, अगले महीने में मेरी परीक्षा है। परीक्षा है? हाँ, और मेरे भैया का सपना मुझे पूरा करना है। तो फैजाबाद में तुम्हारा लाग हो भैया हूँ इम्तिहान। सही कहते हो। इरफान के नाम से भाई 10 रुपया लिखा जाएगा, व्यवहार में आए, धन्यवाद है। ए और ये बताओ तेरा दूसरा भाई कहाँ है? हमारा दूसरा भैया इस समय ड्यूटी पर अपने लगा, वो पढ़ाई लिखाई में पढ़ रहे हैं सब। वो कहाँ पर है? कमरे में। ये पढ़ाई है। पढ़ाई नहीं दिए जब देखा तो हमारे पीछे पड़े हो यार, जैसे हम पढ़ाई में ध्यान करें तैसे तुम आ जाते हो। तो पैर में रख के पढ़ते हो क्यों? तो कैसे पढ़ी? हाथ नहीं गया तुम्हारे? बताओ कैसे पढ़ी? इस तरह से पढ़ा जाता है। हाँ ये दिना पढ़ो वो ऊपर के अक्षर दिखा पर नीचे नहीं दिखा पर। हम समूल्य दिखाए पर एक कम मिला तो पढ़ी थे। चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लो पढ़ी। हेलो क्या बताऊं, दीपक अपने कमरे में बैठ करके पढ़ाई कर रहा है, अब मुझे दीपक के पास चलना चाहिए। ए देखो भाभी आई हुई हैं। अभी अंधेरा हो गया क्या?
भैया हम पढ़ ही दिलाए जैसे जैसे आगे बढ़ो तुम। क्या हुआ? पढ़ी दिलाए जैसे तुरंत देखे खोस दी। क्या चीज? भाई हमारी आंखें बंद हो गई तो हम कहा देखा कि हमारे लगे एक मेहरुआ बहुड़ी है। ओ हाँ, सपने में। सपने में वो हमारे मुंह चाटे और जब उनके मुंह हम चाटे तो हमका रोमाल रोमाल लाग। ओ जब आंखी खुली तो देखा कुकुरिया बहुड़ी। देखो तुमने देखा नहीं होगा ना। अरे वो भाभी आई हुई थी। अरे भौजी करिया इधर आओ, मैं तुम्हें कुकरिया नजर आ रही हूँ। भौजी नहीं इधर आओ दोनों लोग। तुम्हार बार लाग तो हम जाने कुकुरिया या ससुरी। कौनी कुकुरिया तुम कमाओ नहीं हो। तुम्हें कुकरिया नजर आ रही हूँ। कौन को कहा को इधर आओ। ए, देखो तुम लोग इधर आओ। देखो भाभी मत समान होती है और तुमसे कुछ पूछना चाहती है। क्यों नहीं उनसे बोल रहे हो? भौजी माँ के समान हो। ए माँ के समान। हाँ तो तुम कब आ गए भौजी? ए जब आप सब लोग आपस में पढ़ाई कर रहे थे तभी मैं आपके पास आई थी। हम नहीं जाने पा भौजी नहीं कहे भौजी। ए आप सब लोग क्या पढ़ रहे थे? हम बहुत बढ़िया पढ़ी रहा है। क्या पढ़ाई कर रहे थे? हम लोग जो पढ़ी दे रहा है सब रामायणी चीजें हैं। क्या तुलसीदास झांप दी? लेकिन हम लोग वाल्मीकि वाली रामायण पढ़ो। वाल्मीकि वाली रामायण पढ़ रहे थे। और का पढ़ करके मुझे भी सुनाओ। देखो ये माँ का लिखा है। क्या लिखा है? वाल्मीकि रामायण है। देखन मई हम चिकना चिकना और हाथ लगे टिना और ढेढ़क भी चमदाब लियो सब यो भी कर जाए। चिकना चिकना हाथ लगे टिन्ना और ढेड़क में चमड़ा लियो सभी भीतर जाए। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? ये भैंसी के थाना है भौजी। क्या भैंस का थन? हाँ देखे बताना चिकन चिकन मत पानी चार दिन छीटा मारो दूध उतरी हवा छाती टिन्ना गई। ओ यार हम बल्टी दाब लियो गदगद गदगद। आप थन की बात कर रहे हैं? हम पढ़ाई बहुत बढ़िया। तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? हत लाल लाल देखी कई लाली आधा गवा चिल्लारी पूरा गवा तो मुझ क्या लाल लाल लाली आधा गवा तो चिल्लानी और पूरा गवा तो मुस्कानी। ये क्या है? जो बताओ तुम काय हाथे पहने हो? तो लाल लाल लेके मार तुरंत ही लाल लाल दाढ़ी गवा। क्यों नहीं? जैसे आए गवा मतलब जो उन्हें काय है वो मनिहार तो देखी हवा में मतलब ले जा रहा जैसे लाल लाल देके ललचानी तुरंत बैठा ली और पहनावे लगी कहीं कई रुपया दर्जन कहीं पच्चीस रुपया पचास रुपया वाली पहने लगी। हाँ। अब जैसे मनिहरवा आधी चूड़ी खसकाई तैसे बड़ी पेचिर क्योंकि यहाँ पर जब चढ़ती चूड़ी तो दर्द होता हाँ। है। हाँ। तो जब उके अंदर गवा तो निकला। ईमा और देखो का लिखा भाभी। क्या? चार अंगुल के चुरमुर और हाथ भरे के डंडा और चार धाय धाय के हाऊ दियाब दिमाग हो गई ठंडा। ये क्या है? चार अंगुल का चुरमुर हाथ भरे का डंडा और धाय के क्या बतला रहे थे? यहाँ नहीं जाने हो? नहीं मुझे मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। जब मरी हो जब हमार सही बात ना हो तो बतायो। क्या है? गलत सोचे वाले के गलत है। क्या है? चार अंगुल के चुंगली हो गए। हाँ? एक हाथ के डंडा डाढ़ी जो लगावत क्यों? अच्छा उमा पन्नी के सी दियो चाहे कपड़ा ब्याना सीख दियो धज गए खेते साहे मार कर मानी हम जो ठंडाई गई